हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है पार्ट फोर में। आपने मेरा वीडियो तीन पार्ट देख चुका होगा जिसमें मैंने ये होम पेज क्रिएट किया है, ठीक है। प्रॉपर होम पेज क्रिएट करके मैंने दिखाया जो जो जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप पूरा रिस्पॉन्सिव मैंने बताया, ठीक है, वो तीन वीडियो में। आज से अब हम क्या शुरू करेंगे, जैसे कोई लॉग इन पर क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी यूजर नेम है, यूजर नेम डाल देंगे और पासवर्ड डाल के एंटर करेगा कोई, तो ये हमारे मेन वेब पेज पर लेके जाएगा। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ये नैव बार क्रिएट करेंगे जो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन पेज है। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है, अबाउट, हेल्प का बटन है एंड देन तीन आइकन है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, आज हम इसे सिर्फ डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को रिस्पॉन्सिव करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, कोई भी अगर स्क्रोल डाउन करे तो इसमें बैकग्राउंड कलर आए, ठीक है, ये चीज हम यूज करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए, हम आएंगे अपने VS कोड में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक डिप क्रिएट करेंगे जिसे हम क्लास देंगे कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिप क्रिएट करेंगे जिसे मैं क्लास दूंगा नेविगेशन, ठीक है। इसके अंदर हम खोलेंगे नैव टैग, नैव टैग खोलेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, क्लास एड करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे क्लास दे दूंगा। अभी हम इसमें बूटस्ट्रैप का क्लास भी ऐड करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिव करते समय, ठीक है। अभी मैं अपना खुद का क्लास दे रहा हूँ जो कि होगा नैव, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और डिप क्रिएट करेंगे जिसे मैं क्लास दूंगा सर्च बॉक्स करके, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक H1 क्रिएट करूंगा और यहाँ पे आपको पता ही होगा हम टेक्स्ट लिखेंगे ग्रीन वेज करके और वेज को हम क्या करेंगे स्पैन में डालेंगे, ठीक है। After that, हम क्या करेंगे, एक anchor tag create करेंगे, ठीक है। anchor tag हम क्या क्यों create करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक icon बनाना है and then ये search box बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज हम क्रिएट करेंगे, तो हम आएंगे अपने VS कोड में। anchor tag में मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्लास देके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हमें क्लास देना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइकन देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या बोलते हैं CDN लिंक कर रखा है, ठीक है, अपने हेडर फाइल में, आप भी कर लेना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइकन लगा देता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पे मैं क्लास देना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एंकर टैग के बाहर हम क्या करेंगे, एक इनपुट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा ऑब्वियसली, एंड देन हम इसमें क्लास दे के छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर बाद में हम बूटस्ट्रैप का कोई क्लास देना पड़े तो। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस होल्डर देंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज ये कॉपी नहीं होगा आई थिंक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हमने सर्च बॉक्स क्रिएट किया है उसके बाहर आएंगे, ठीक है, उस डिप के हम क्या करेंगे बाहर आ जाएंगे, ठीक है, नैव टैग के अंदर ही रहेंगे अभी। उसके बाद एक और डिप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम उसे क्लास देंगे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में हमारा क्या रहेगा, बेसिकली अबाउट एंड यहाँ पे जो हेल्प का बटन है, ठीक है, अबाउट और ये हेल्प का जो बटन है, इस टिप में यही दो बटन रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बटन हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर डालेंगे, ठीक है, यूएल के अंदर अलाइन मल्टीप्लाई बाई टू, एंड इन दोनों में हम क्या करेंगे, एंकर टैग यूज करेंगे और यहाँ पे आप चाहो तो हैश दे देना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं टू सेट। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक और डिप क्रिएट करेंगे, ठीक है, लिस्ट वाले डिप से हम बाहर आ जाएंगे और इसे हम नाम देंगे लिंक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये आइकन्स है, ठीक है, आप आइकन्स भी दे सकते हो। मैं इन तीनों आइकन्स को एक डिप बनाऊंगा जिसमें मैं क्लास दूंगा लिंक, उसमें रखूंगा, ठीक है। तो डॉट लिंक्स, एंड अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एंकर टैग चाहिए, तो एंकर टैग हमें कितना, तीन चाहिए, तीन एंकर टैग आ गए। इन तीनों एंकर टैग में मैं क्या करूंगा, अपना आइकन्स लगा देता हूँ, ठीक है, आइकन्स का क्लास लिख लेता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये शॉपिंग का कार्ड है, ठीक है, इसमें हम एक स्पैन क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वेब पेज में देखें, अगर यहाँ पे कोई भी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ये कार्ड पे अगर कोई भी क्लिक कर रहा है तो यहाँ पे एक आइटम ऐड हो रहा है, ठीक है। फॉर दिस हम क्या करेंगे, एक स्पैन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे, इनर वैल्यू चेंज करवाएंगे, मतलब, ठीक है, इंक्रीमेंट करवाएंगे। जैसे हम मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो टू आइटम्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं हमारे कार्ड पे, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, उस
आइकन के अंदर मैं एक स्पैन क्रिएट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉपिंग का कार्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ स्पैन क्रिएट करेंगे एंड देन हम इसे क्लास दे देंगे, ठीक है, ताकि हम जावास्क्रिप्ट में इस चीज को यूज कर पाए, ठीक है। कार्ट आइटम करके दे सकते हो या कार्ट भी दे सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेट, इतना करने के बाद हमारा क्या होता है, नैव बार कंप्लीट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने डिजाइन कर लिया, अब हमें CSS लिखना है। उससे पहले हम चलते हैं अपने पेज पे एक बार, ठीक है। तो मैंने इसे पहले ही क्या गोलाइफ कर लिया है मैंने, ठीक है, पहले। तो एक बार आते हैं अपने पेज पे, जो कि मैंने यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन आ चुके हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, CSS लिखेंगे और इस चीज को हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने CSS रीसेट पहले ही कर लिया है, ठीक है। और जो मैंने गूगल फॉन्ट्स फॉन्ट उठाया था उसका इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। एंड अब हम शुरू करते हैं CSS। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर फ्लूट को लेके आएंगे, ठीक है, जो हमने बूटस्ट्रैप का क्लास दिया है। इस चीज से भी आप क्या कर सकते हो, CSS टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि बूटस्ट्रैप का क्लास है हम इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वैसा कुछ नहीं। तो इसे मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में क्या करूंगा, इसे RGB ये दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेट, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, नेविगेशन को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं आऊंगा, नेविगेशन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे पैडिंग पॉप इसका जो आ रहा है बूटस्ट्रैप की तरफ से हम इसे जीरो कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नेविगेशन यूज किया, इसे हम पैडिंग टॉप जीरो कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसे पैडिंग बॉटम भी इसका हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप की तरफ से आ रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जीरो जीरो कर रहे हैं, ठीक है। और इसका हम पोजीशन स्टिकी कर देंगे अभी, ठीक है। ये चीज तो वैसे अभी आपको पता नहीं चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको आई होप पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस चीज को रिस्पॉन्सिव करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि पोजीशन स्टिकी क्यों कर रहे हैं, ताकि ये ऊपर रहे, ठीक है, कोई भी स्क्रोल डाउन करे तो ऊपर रहे, ठीक है। इसका हम जेड इंडेक्स भी सेट करेंगे, जो कि होगा 1, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेट। अब हम आएंगे कंटेनर फ्लूट के अंदर, जो हमारे पास नैव टैग है उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अब हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सबसे पहले इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसका विड्थ सेट करेंगे, जो कि 100% हम कर देंगे, ठीक है, जितना स्क्रीन है उतना। एंड आफ्टर दैट हम इसे हाइट देंगे, जो कि होगा 70 पिक्सल, आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट भी हम इसका कर देंगे सेंटर, लाइन आइटम भी हम इसका कर देंगे सेंटर, ठीक है। कंट्रोल इज टू सेव, थोड़ा सा स्क्रोल डाउन कर लो ताकि आपको अच्छे से दिखे प्रॉपर्टी। नैव के अंदर जो हमारे पास H1 है उसमें, ठीक है, नैव H1 है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा हमने उसमें टेक्स्ट लिखा था, जो कि है ग्रीन वेज, ठीक है। तो इसका हम कलर देंगे RGB, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसमें फॉन्ट फैमिली लगाएंगे, सिस्टम UI तक लिखेंगे, ठीक है, सिस्टम UI तक हम इसे लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम इसमें लेटर स्पेस ऐड करेंगे, लेटर स्पेस में इसमें ऐड करूंगा 1 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेट। एक बार मैं फिर से आपको पेज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर में, ठीक है, अभी ये सेंटर में है। हम क्या करेंगे, नैव के अंदर जो H1 है, ठीक है, ओके, यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा क्योंकि नैव बार टैग है, ठीक है, नैव बार 1, ठीक है। नैव बार के अंदर H1 है, H1 के अंदर एक स्पैन है, ठीक है, आपको याद होगा। इसका भी हम कलर चेंज करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। एंड इसे हम क्या करेंगे, 184 कर देंगे। कंट्रोल एस टू सेट। अब हम आएंगे सर्च बॉक्स वाले डिव पे, ठीक है, सर्च बॉक्स पे। इस पे हम क्या करेंगे, इसका विड्थ सेट करेंगे, जो कि होगा 60%, ठीक है, 60%। एंड देन डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लेक्स, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेट। अब हम आएंगे सर्च बॉक्स के अंदर जो इनपुट है हमारे पास उसमें, ठीक है। सर्च बॉक्स इनसाइड दिस वी हैव इनपुट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 70% इसका विड्थ सेट करेंगे एंड हाइट सेट करेंगे, जो कि होगा 50 पिक्सल ऑब्वियसली। एंड फिर बॉर्डर रेडियस लगाएंगे इसमें, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, बॉर्डर नन करना पड़ेगा, बॉर्डर नन। एंड देन आउटलाइन भी इसका हम करेंगे नन। और हम क्या करेंगे, सर पैडिंग लेफ्ट देंगे, पैडिंग लेफ्ट मैं इसे दे देता हूँ 4 रैम। एंड पैडिंग राइट 2 रैम, ठीक है। पैडिंग राइट 2 रैम देने के बाद बैकग्राउंड कलर हम इसमें सेट करेंगे, जो कि होगा वाइट, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एम्प्टी मार्जिन टॉप हम इसे देंगे 0.2 रैम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मार्जिन लेफ्ट देंगे इसे हम 2 रैम, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव्ड। अब हम आएंगे इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है हमारे पास उस पर, ठीक है। तो आपको पता होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हम कैसे प्लेस होल्डर का फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
प्लेस होल्डर, तो इसमें हम क्या करेंगे लेटर स्पेस ऐड करेंगे, लेटर स्पेस 1 पिक्सल का, एंड फिर हम इसमें फॉन्ट साइज लगाएंगे, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल का, ठीक है, और फिर फॉन्ट फैमिली लगाएंगे इसमें, कंट्रोल एंटर, एंड हम क्या करते हैं इसका लेटर स्पेस हम थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे 1.5 पिक्सल करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर्च बॉक्स के अंदर हमारे पास आइकन है, ठीक है, सर्च का आइकन, उस पर आते हैं, फॉन्ट साइज सेट करेंगे इसका, लार्जर करेंगे इसका फॉन्ट साइज, आफ्टर दैट हाइट सेट करेंगे इसका, हाइट में 50 पिक्सल, एंड ऑब्वियसली हाइट सेट किया तो विड्थ भी सेट करेंगे सेम, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स क्रिएट करेंगे, फिर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, 65 कंटेन करेंगे सेंटर, अलाइन आइटम भी करेंगे सेंटर, स्क्रोल डाउन कर लूँ ताकि आपको प्रॉपर्टीज दिखे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कलर यूज करेंगे इसमें, जो हमने ऊपर दिया है वही यूज करेंगे, ग्रीन वेज में ये वाला, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे इसमें बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे बीजी बैकग्राउंड कलर, और इसमें मैं क्या करूँगा प्रॉपर्टीज दूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज को मैं डार्क करना चाहूंगा, ठीक है, लाइट करना चाहूंगा, 0.2 करूंगा, ठीक है, इसका ओपेसिटी। एंड अब मैं क्या करूंगा इसका पोजीशन मैं करूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा इसमें बॉर्डर रेडियस दूंगा, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है, राउंड हो जाएगा, ठीक है, एक सर्कल बन जाएगा। फिर एमपी मार्जिन टॉप हम इससे देंगे, जितना ऊपर इनपुट को दिया है उतना ही हम इसे मार्जिन टॉप देंगे, ठीक है, मार्जिन टॉप। एंड फिर हम क्या करेंगे मार्जिन लेफ्ट, जितना ऊपर दिया है इनपुट को उतने यहाँ पे भी देंगे, जो कि है 2 रैम, ठीक है। अब हम आते हैं लिस्ट वाले डिफ पे, इसमें हमें क्या करना है मार्जिन राइट देना है, जो कि है 2 रैम का, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव, दैट्स इट। अब लिस्ट के अंदर जो यूएल है उस पर आते हैं, ठीक है, डॉट लिस्ट अंदर यूएल है इस पर आते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहला डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद लिस्ट स्टाइल इसका करेंगे नन, यूएल है इसीलिए, ठीक है, हाइट हम इसे देंगे फिट कंटेंट, ठीक है, जो कंटेंट का हाइट है उसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। लाइन आइटम हम इसका करेंगे सेंटर, एंड एमबी मार्जिन बॉटम हम कर देंगे 0, एंड फिर हम क्या करेंगे पैडिंग लेफ्ट, जो कि बूटस्ट्रैप की तरफ से आता है, ठीक है, उसे भी हम क्या करेंगे 0 करेंगे। लिस्ट के अंदर यूएल, ठीक है, यूएल के अंदर हमारे पास एलआई भी तो है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे मार्जिन देंगे, ठीक है, टॉप बॉटम तो हम 0 देंगे, लेफ्ट राइट से हम थोड़ा सा देंगे, जो कि होगा 10 पिक्सल का। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमारे पास एंकर टैग है, उस पर आते हैं, ठीक है, लिस्ट यूएल एलआई के अंदर ए, ठीक है, एंकर टैग। तो सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन ऑलवेज करेंगे नन, एंड आफ्टर दैट पैडिंग देंगे हम इसे टॉप बॉटम से 7 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, ठीक है। फिर बीजी करेंगे, एंड फिर हम कलर भी इसका कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे लेटर स्पेस देंगे, लेटर स्पेस मैं इसे दे देता हूँ 1 पिक्सल का, ठीक है, ज़्यादा नहीं देंगे। उसके बाद हम इसमें फॉन्ट फैमिली लगाएंगे, फॉन्ट फैमिली देने के बाद हम क्या करेंगे इसका फॉन्ट साइज फिर से सेट कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 14 पिक्सल। कलर देंगे, कलर वही देंगे जो ऊपर दिया था हमने, RGB 3 वाला, ठीक है, 3.26 वाला, ठीक है। और फिर फॉन्ट वर्थ हम इसका सेट करेंगे, फॉन्ट वर्थ 600 करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे इसे फिर से बॉर्डर रेडियस देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे इसे बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको फिर से एक बार पेज दिखाता हूँ, ठीक है, परफेक्टली सेट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे सेट करते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि इसका हाइट छोटा है, ठीक है, पूरे बॉडी पे नहीं आया, जैसे जैसे हम इसमें कंटेंट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये बैकग्राउंड कलर आते जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर दिया है कंटेनर फ्लूइड को, इसका हमने विड्थ और हाइट कुछ सेट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको CSS दिखाऊं तो देखो हमने इसका कोई भी विड्थ या हाइट हमने सेट नहीं किया, ठीक है, जैसे जैसे उसमें कंटेंट ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बैकग्राउंड कलर मतलब उसका हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर होवर इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है, तो हम ये पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है एंकर टैग पे ही होवर इफेक्ट लगाना है, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, एंड होवर इफेक्ट ऐड करेंगे इस पर, ठीक है। तो होवर इफेक्ट में हम क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, ठीक है, RGBA ये वाला कलर ऐड करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड में, एंड देन इसका कलर हम क्या करेंगे वाइट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे इसका बॉर्डर हम नन कर देंगे इस टाइम पर, कंट्रोल एस टू सेव, एक बार चेक करते हैं, ओके परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो बॉर्डर रिमूव हो जा रहा है, ठीक है।
बॉर्डर रिमूव नहीं होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसे अच्छा दिख रहा है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम लिंक्स के अंदर आएंगे, ठीक है, जिस पे हमारा ऑब्वियसली क्या है आइकन से, ठीक है, ए के अंदर हमारे पास क्या है आइकन से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चीजें ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे फॉन्ट साइज हम इसका क्या करेंगे एक्स लार्ज कर देंगे, ठीक है, फॉन्ट साइज एक्स लार्ज एंड देन कलर, ठीक है, कलर जो यूज करते आ रहे ग्रीन पेज में हमने यूज किया था वही यूज करेंगे, ठीक है। और फ्रंट से पैटर्न देते हैं टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव्ड, ठीक है। अब जो हमने स्पैन क्रिएट किया था उस पे आते हैं, ठीक है, उस पे आने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं, ओके परफेक्टली आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे गाइस देख सकते हो परफेक्टली सारा कुछ सेट है, ठीक है, इसका फॉन्ट फैमिली आ जाएगा जब आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो, ठीक है, फॉन्ट फैमिली ऑब्वियसली आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्या है ये क्लास उठा के लेके आते हैं, ठीक है, ये वाला क्लास उठा के लेके आते हैं, पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, डॉट यूज करके ये क्लास ऐड करेंगे। एंड इसके अंदर जो स्पैन है उस पर हमें क्या करना है, सी एस एस ऐड करना है, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, विड्थ ऐड करेंगे 18 पिक्सल का, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी मैं इसका डिस्प्ले तो वैसे नन रखूंगा, ठीक है, तो डिस्प्ले में ऐड नहीं करता हूँ कुछ, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे दिखेगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में क्या करूंगा, इसमें सेंटर ऐड करूंगा, अलाइन आइटम भी मैं इसमें सेंटर ऐड करूंगा, ठीक है, वैसे तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है, अब ये दोनों चीज क्या होगा, सेंटर सेंटर में होगा, ठीक है, ये चीज में ऊपर ऐड करना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसमें हाइट भी सेट करूंगा, ठीक है, 18 पिक्सल का, एंड फिर मैं क्या करूंगा फॉन्ट साइज इसमें ऐड करूंगा, फॉन्ट साइज में इसमें ऐड कर देता हूँ 9 पिक्सल का, ठीक है। फॉन्ट विड्थ में क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा बोल्डर, और फिर मैं क्या करूंगा इसका बीजी करूंगा रेड, ठीक है, रेड। एंड फिर मैं क्या करता हूँ उसका कलर करूंगा ऑब्वियसली वाइट, वाइट, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा पोजीशन कर देते हैं इसका हम एब्सोल्यूट, एंड देन हम क्या करेंगे इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है, 50%, एंड एम्प्टी देंगे, मार्जिन टॉप देंगे, ठीक है, मार्जिन टॉप में इसे -34 पिक्सल दे दूंगा, ठीक है, आप चाहो तो रैम में भी दे सकते हो। मार्जिन लेफ्ट देंगे हम इसे अराउंड 16 पिक्सल का दे देते हैं हम इसे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे इसमें बॉर्डर कलर ऐड करेंगे, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड RGB, कंट्रोल एस टू सेव्ड। अब मैं आपको एक बार पेज दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है। तो अभी तो हमें ये नहीं चाहिए ना, बाय डिफॉल्ट तो ये हमें नहीं चाहिए, जब भी हम ये कार्ड वाले पे क्लिक करेंगे तब चाहिए हमें, देखो, ठीक है ना, जब हमें हम कार्ड पे क्लिक कर दे कोई भी यूजर तब हमें वो क्या चाहिए, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्रीमेंट होते जाए, और फिर से माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाना चाहिए। तो ये तो जब हम ये वाला सेक्शन बनाएंगे ना अपना मोस्ट सर्च वाला सेक्शन, तब हम इस वाली चीज पे काम करेंगे, ठीक है, आइटम ऐड होने वाला चीज पे काम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स के जगह हम कर देंगे इसे नन, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव्ड, हम इसे क्या करेंगे नन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट से इसका डिस्प्ले क्या करवाएंगे, फ्लेक्स करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं पेज पे अपना, ठीक है, यहाँ पे ये है पेज अपना, ठीक है, तो नैव बार कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉन्ट फैमिली भी आ रहा है, ठीक है, सब कुछ सेट है, ठीक है, यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है, इसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट फैमिली वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है, वो हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी फॉन्ट फैमिली नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे वीडियो में हम चेक कर लेंगे। तो अब मेन बात क्या है, जब भी हमने ये तो कंप्लीट कर लिया, अपना होम पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है, लॉगिन वाले पे अब हमें थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने फाइल पे, ठीक है, जहाँ पे हमने क्रिएट किया था, ठीक है, फाइल ये है हमारा, ठीक है, हमारा फाइल डेस्कटॉप पे पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले चीज पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा फाइल क्या है यहाँ पे, ठीक है, हमारा मेन पेज ये है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये है हमारा मेन पेज अभी, ठीक है। और अगर हम इस पे यूजर नेम डाले वेब टेप एंड पासवर्ड 1234 डाले तो ये लॉगिन नहीं होगा, ठीक है, ओके, ये यूजर नेम इनकरेक्ट बोल रहा है, ठीक है, 123 होगा, आई होप 123 चेक करते हैं, ओके, तब भी ये यूजर नेम गलत दिखा रहा है, ठीक है, इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारा ये है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में चेक कर लेंगे पासवर्ड हमने क्या रखा था,
1234 ही रखा था, वेब कैप 1234। ठीक है, हमारा मेन पेज ये है, इस पे HTML चेक करें, और अभी अभी जो हमने क्रिएट किया है वो ये है। ठीक है, नैब पर ओके, तो ये लॉगिन हो जाना चाहिए। ओके, चेक करते हैं एक बार। ओके, स्मॉल लेटर है। ठीक है, वेब टेप हमारा क्या है, जो यूजर नेम है हमारा स्मॉल लेटर। ठीक है, इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड मैं पेस्ट कर देता हूँ उस चीज को। ठीक है, आपको याद रखना है, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। 1234। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अभी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो अभी हमने क्रिएट किया था, ठीक है, अभी जो हमने क्रिएट किया था उस वाले का फाइल पाथ हम इसे यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने नैप बार क्रिएट किया है इसका फाइल पाथ हम देंगे। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे हमने होम पेज क्रिएट किया था। ठीक है, और मेरा जो होम पेज है और ये जो मेन पेज है दोनों एक में है। ठीक है, देखो ये मेन वाला फोल्डर, ठीक है, ये हमारा क्या है, होम पेज है। ठीक है, मैं आपको एक बार फाइल ये दिखा देता हूँ। तो देखो ये हमने जो क्रिएट किया था होम पेज ये है। ठीक है, और जो हमारा मेन वेब पेज है इसके अंदर है। ठीक है, एक ही फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो ये बात आपको भी याद रखना है। ठीक है, एक ही फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, रखना है चीजें को। ठीक है, सारा चीज एक ही फोल्डर में रखना है, तभी आपका ये काम करेगा। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइल पाथ कैसे देंगे, डॉट स्लैश जो फोल्डर का नाम है। ठीक है, सेम फोल्डर में होना चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, मेन हमारा मेन फोल्डर के अंदर है। ठीक है, ये जो अभी हमने वेब पेज क्रिएट करना शुरू किया है वो। ठीक है, मेन के बाद हम क्या करेंगे, फिर से स्लैश ऐड करेंगे, और जो हमारा पेज खुलना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली इंडेक्स पेज खुलेगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, index.html देंगे। ठीक है, ठीक है, Ctrl+2 सेव करते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्लोज करेंगे। अब हम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेब डेम एंड पासवर्ड इज 1234, सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, खुल रहा है आपके सामने, मैंने आपको दिखा दिया कैसे फाइल पाथ देना है। ठीक है, तो अब मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे पार्ट 5 में, तब तक के लिए देखते हैं।